जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें मैं फेल हुआ तीन सब्जेक्ट्स में उन्होंने कहा पंकज बाबू तुम हाई स्कूल में साठ परसेंट ले आओ तो जो कहो वो हार जाएंगे यूपी बिहार वालों के डीएनए में एक चीज बड़ी अंदर तक होती है वो होती है सिविल सर्विसेज बात 2014-15 की है जब मैंने पहला फॉर्म भरा तब मैं 30 इयर्स का था सबने लोगों ने सराउंडिंग में, में मेरे दोस्तों ने या मेरी फैमिली वालों ने बोला कि अब क्या जरूरत है और 30 साल में कैसे करोगे तुम तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग करनी पड़ेगी और फिर तुम निकाली लोगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं फेलियर कहाँ पे होता है अब आप, आपको मैं बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो स्टॉक की टीम को जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आज लखनऊ में थैंक यू मेरा नाम पंकज यादव है मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ अभी मैं पी रैंक पे लखनऊ में पोस्टेड हूँ एज ए असिस्टेंट डेप्टी डायरेक्टर मिड डे मील अथॉरिटी इन लखनऊ फॉर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट आज जो ये स्टोरी अपनी शेयर करने जा रहा हूं, उसके पहले उसके लिए जो सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्टिव है मेरा कि कि जो जो भी लोग सिविल सिविल सर्विसेज में हैं जो सिविल सर्विस हैं सर्विस एस्पिरेंट्स ये समझ पाए कि किस तरीके से मिथ्स को चैलेंजेस को ब्रेक किया जाता है अक्सर यहाँ सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में बहुत सारे मिथ होते कि गरीब बच्चे नहीं तैयारी कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर एज के बाद तैयारी नहीं हो सकती या शादी के बाद तैयारी नहीं हो सकती या कहें कि जॉब के साथ तैयारी नहीं हो सकती या दस साल लगते हैं या बारह चौदह घंटे पढ़ना पड़ता है इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स हैं स्टूडेंट्स के मन में तो मैं ये स्टोरी जो आज सुनने जा रहा हूँ मेरी बचपन से एक आदत रही है मिथ्स को तोड़ने की चैलेंजेस को ओवरकम करने की मैं अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं मैंने अपना एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का ख्याल मेरे को शादी के बाद मैं फादर भी बन चुका था और 30 साल का लगभग हो चुका था जब बात 2014-15 चौदह पंद्रह की जब मैंने पहला फॉर्म भरा तब मैं थर्टी ईयर्स का था और उसके बाद बैक टू बैक मैंने सात बार पीसीएस एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूं मैंने चार बार यूपी पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया फाइनल सेलेक्ट हुआ और तीन बार बिहार का इसके अलावा कई सारे ऐसे एग्जाम वनडे एग्जाम थे जो भी मैंने क्वालिफाई किए उसमें एस बी आई पी आई बी इंटेलिजेंस ऑफिसर और भी कई एग्जाम्स थे जो वनडे एग्जाम अब मैं अपनी स्टोरी सुनाने से पहले अपना बैकग्राउंड ले चलूंगा ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये आदमी कहाँ से आया है और किस तरीके से इसने संघर्ष करके चीज़ों को आज की डेट पर अचीव किया है मैं ले चलूँगा नाइनटीन नाइन्टीज़ में मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में मेडिकली आ, आ, मेडिकली डिसेबल होके ड्यू टू सम चैलेंजेस वो वहाँ से वॉल्ट्री रिटाय मेडिकली अनफिट होके वहाँ से रिटायरमेंट लेके आए और फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा बहुत कमज़ोर था गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे बट समाओ पिताजी ने हमें अच्छे स्कूल स्कूलिंग देने के लिए जो एयरफोर्स का एरिया है हमारे कानपुर में और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल्स होते हैं के केवी संगठन वहाँ के स्कूल के, के पास हमारे एक घर लिया और वहीं पे हमें रखा ताकि हमें स्कूलिंग अच्छी मिल जाए फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने कम थे कि आ, मुझे याद है 1992 में जब हमारे पिताजी ने कोई इनकम का दूसरा सोर्स नहीं था तो घर में किराने की दुकान खोली गई छोटी सी इनफैक्ट वो पान की दुकान थी स्टार्टिंग में पहले दो तीन महीने ऐसे पान की दुकान खोली गई पिताजी ने थोड़ा सा ईंट गिट्टी बालू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम शुरू किया जहाँ ईट गिट्टी बालू वगैरह बिकती है तो मेरा जो बचपन गुजरा थ्रू आउट पढ़ाई मैंने पूरी अपना हमारे एक कमरे का घर था आगे दुकान थी पीछे एक कमरा था उसमें पांचों लोग रहते थे मैं तीन भाई मेरे मदर फादर और उसी कमरे में खाना भी बनता था तो वो एक टाइम था जो आ, आ, जो चैलेंज मैंने बचपन के दौरान देखा बट आ, हमेशा मेरी जो आदत रही वो सरकम से लड़ने की चैलेंजेस को कभी भी दिल पे नहीं लेने की या रोने का नहीं मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या मैं क्यों दुखी हूं मैं तो बस ये सोचता था कि ये एक जस्ट चैलेंज और चैलेंज इज इज कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द लाइफ आपको हर इस चीज पे चैलेंज आज हम पीसीएस सी है आज भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं और हम आगे बढ़ने के लिए उस चैलेंजेस के लिए फाइट करते रहते करते हैं ओवरकम करते रहे तो मेरी जो पूरी पढ़ाई थी राइट फ्रॉम वन टू ट्वेल्व वो केंद्रीय विद्यालय चकेरी कानपुर में हुई और थ्रू आउट मैंने पढ़ाई क्योंकि घर में कमरा नहीं था कोई टेबल चेयर नहीं थी तो मैं अपनी पूरी पढ़ाई या तो दुकान के काउंटर पर करता था या घर की छत पर जाके करता था या घर के बाहर एक नीम का पेड़ था उसके नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना था वहां बैठ के करता था अच्छा मैंने जैसे बताया कि मेरी मिथ तोड़ने की या चैलेंजेस को ओवरकम करने की या वो जो लोगों के दिमाग में चलता है ना कि अगर कोई लड़का शैतान है तो ये पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकता तो इस तरह की चीजें तोड़ने की मेरी हमेशा से आदत रही है तो मुझे याद है हाई स्कूल का टाइम है उससे पहले मैं बहुत सीरियस नहीं था पढ़ाई में क्योंकि घर में माहौल ही नहीं था क्योंकि घर में दुकान थी मैं पूरे दिन दुकान चलाता था तो मेरे फैमिली के लोग खुश रहते थे कि लड़का दुकान और दुकानदारी में या बिजनेस में अच्छा करेगा हाई स्कूल में सेमी जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें मैं फेल हुआ तीन सब्जेक्ट्स में दो में पास हुआ और दो पास होने वाले सब्जेक्ट थे हिंदी और सोशल स्टडीज उन दोनों में फेल हुआ तो हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे बुलाया क्लास में एक इंसल्ट वाला दौर था मुझे बुला के खड़ा किया गया और बोलते सैतानी में आप बहुत नंबर एक हो क्लास बंक करने में नंबर एक हो क्रिकेट खेलने में नंबर एक हो और दुनिया भर की जो खराब चीज़ें होती स्कूल लेवल पे वो चीजों में मैं सबसे आगे था तो उन्होंने कहा सिंपल डायलॉग आज भी मुझे वो जहन में पूरी तरीके से बाकायदा याद है उन्होंने कहा पंकज बाबू तुम हाई स्कूल में साठ परसेंट ले तो जो कहो वो हार जाएंगे दिस वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम माय क्लास टीचर और हाई स्कूल में मैं छोटा सा बच्चा उतनी समझ नहीं थी मगर जो क्रिटिकल चीज थी जो जो आज भी मुझे आगे बढ़ाती वो चीज़ ये थी कि मैंने उनकी बात को दिल पर लिया मगर दिल पर लिया निगेटिवली नहीं दुखी हुआ बट मैंने ही सोचा कि मुझे इनको आंसर देना है और यही एक स्प्रिट मुझे आज भी आगे बढ़ाती है मैंने उस चीज को दिल पे लिया मैंने कहा अभी इन्होंने कह दिया मेरे पास दो से तीन महीने हैं मेरे मामा की शादी थी मामा की शादी से मैं घर पे आया पिताजी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे दो तीन महीने दुकान से कम और पढ़ाई का ज्यादा मौका दिया जाए पिताजी ने भी मुझे साठ परसेंट की एक्सपेक्टेशन के साथ छोड़ दिया था इवन मेरे लिए एक गिफ्ट था उस समय मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था तो मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम साठ परसेंट आओगे तो मैं क्रिकेट गिफ्ट क्रिकेट किट एक गिफ्ट कर दी जाएगी दो रुपए की आती थी उसमें बड़ी चीज होती थी मेरे लिए बड़ी चीज थी तो मेरे पास तीन महीने थे मैं मामा की शादी से लौटा पूरा मतलब रूम तो था नहीं सर्दी का टाइम था तो एक हमारी दुकान में होलसेल का भी थोड़ा सा काम होता तो एक छोटी सी भंडरिया टाइप कह सकते छोटा सा कमरा टाइप था जहाँ पे गुड़ भरा हुआ था दुकान में बेचने के लिए वो गुड़ गर्मी की सीजन में पिघल पिघल के पूरी जमीन खराब हो चुकी थी तो मेरे पास पढ़ने की कोई जगह नहीं थी इतनी समझ आ चुकी थी कि अगर तीन महीने में हाई स्कूल में एग्जाम निकालने हैं तो मुझे वो कमरे को अकेले पढ़ना होगा मतलब मैं पांच लोगों के बीच में या, या पांच लोग बात कर रहे हैं मम्मी पापा भैया खाना खा रहे वहां नहीं पढ़ सकता दुकान पर पढ़ नहीं सकता था तो मैंने उस कमरे में पूरा गुड़ खरोच खरोच के एक दिन में साफ किया बोरा बिछाया एक किसी तरीके से एक कुर्सी और एक मेज का इंतजाम किया अब मैं आपको जब रिजल्ट आया नो बड़ी वाज एक्सपेक्टिंग इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मैं टॉप कर जाऊंगा और विद मतलब भगवान का ईश्वर का आशीर्वाद रहा माता पिता की आशीर्वाद रहा कि मैं हाई स्कूल टॉपर था वो भी केंद्रीय विद्यालय में और जहाँ पे ऑफिसर्स के बच्चे भी पढ़ते थे वो सारे बच्चे जो दिन में स्कूल के बाद जाके ट्यूशंस लेते थे या उनके घर पे ट्यूटर आते थे मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मैं या तो दुकान में काम करता था या शैतानी करता था या स्कूल में होता था फिर वहाँ से मेरी दिशा बदली वहाँ पे आ, मेरे को लगा कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है मम्मी पापा का भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई ये पढ़ाई में भी जा सकता है क्योंकि भैया का पढ़ाई का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था तो मुझे लगा कि मैं इधर बढ़ सकता हूँ अब बात आती है कि जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कभी भी दिमाग में ये मत लाओ कि आपकी वीकनेस क्या है या आपका बैकग्राउंड कैसा है या रिसोर्सेस कौन से कम है किसी भी सिटी में आप देखेंगे ज्यादातर आई एस पी वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता है जिनका जीवन संघर्ष में गुजरा होता है क्योंकि जब संघर्ष होता है वो संघर्ष आपको मोटिवेट करता है लड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए और वही मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने साइंस केंद्रीय विद्यालय से अपना ट्वेल्थ पास किया वो भी अच्छे इस कोर्स थे ऑल मैं टॉपर नहीं था ट्वेल्थ में मेरी चौथी या पांचवी पोजिशन थी क्लास में क्योंकि वो डिबेट होने की बड़ी उम्र होती तो मैं भी थोड़ा सा साइड होने लगा था पढ़ाई छोड़ के अब अच्छी चीज क्या थी जो मैं बताने जा रहा था कि जब आपके बताने वाला कोई नहीं है मुझे बताने वाला कोई नहीं था हमारे घर में दुकान चलती थी पिताजी का फोकस उधर रहता था क्योंकि उनको फाइनेंसियस मतलब घर का रोजगार चलाना था तो मुझे कोई बताने वाला हमारे घर में दूर दूर तक कोई सरकारी नौकरी में नहीं था कोई दरोगा भी नहीं था या पीसीएस आईएएस तो दूर की बात होगी बात आती है ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं तो मेरे साथ जो अच्छी केंद्रीय विद्यालय में अच्छे बच्चे घरों के बच्चे पढ़ते थे जो ऑफिसर्स के बच्चे होते थे या जिनको अच्छी गाइडेंस होती थी उनके भैया इंजीनियर होते थे या किसी के भैया डॉक्टर की तैयारी कर रहे होते या किसी के भैया सिविल की तैयारी तो मुझे मैंने देखा कि उस समय इंजीनियरिंग का दौर था तो मैंने देखा कि मेरे स्कूल से निकलने का ज़्यादातर अच्छे बच्चे अच्छे ग्रुप में उनको कॉपी तो कर ही सकते हैं या उनके साथ हो सकते हैं हमें कोई बताने वाला नहीं मगर अगर अच्छी भीड़ में जाओगे तो रास्ता तो अच्छा ही तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम हुआ मैंने उस एग्जाम को भी अच्छी रैंक से बीट किया मुझे यूपी के टॉप टू थ्री कॉलेजेस में जो कॉलेज आता है आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को उस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला मैंने गोरखपुर में मदन मोहन मालवी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फिर वही हुआ क्योंकि मैं बहुत डायनेमिक था बहुत एक्टिव था पढ़ाई की अहमियत नहीं समझता था उस समय या जो चैलेंजेस आते थे उनको लेता था मगर सीरियस और सिंसियर नहीं था फिर मैंने दो तीन साल कॉलेज में भी इधर उधर चीजें करी कॉलेज में भी सबसे शैतान बच्चों में हुआ करता था बात आती है चौथे थर्ड ईयर की जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मैंने सोचा ये भी वही चीज आ गई अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं फिर से कानपुर जाऊंगा और अपना रोजगार ढूंढूंगा क्योंकि भाई और कोई सेटअप अपने पास था नहीं और कोई बताने वाला भी नहीं था तो फिर क्या हुआ कि कॉलेज के जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो फिर मैं अपने घर नहीं गया जो सेमेस्टर गैप होता है दो महीने घर में वहां पे रह के पढ़ाई करी सीनियर से गाइडेंस लिया कई क्लोज सीनियर थे खुद रात दिन रात दिन पैशनेट होकर पढ़ता था मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जब भी मेरे को चैलेंज मिला शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में मैं उसको बहुत पैशनेटली और मोटिवेटेडली मोटिवेट होकर किया और वो चैलेंज बीट हो गया तो मैंने कॉलेज का पहला स्टूडेंट था अपने बैच का जिसके दो प्लेसमेंट हुए और वो भी बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में फिर मेरी जीवन में मतलब हैप्पी गो लकी वाली बात होती है मैं फिर से खुश हो गया नोएडा दिल्ली बैंगलोर में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी सैलरी मिलती थी और वो जो लाइफ स्टाइल था दिल्ली या एन या मेट्रो सिटीज का वो मुझे घूमने फिरने को बहुत मौका मिला फिर इसी चीज़ें चलती रहीं बहुत स्मूथ थी और मेरे को जीवन में आनंद आ रहा था किसी तरीके कोई चैलेंज नहीं था मेरी दो में शादी हुई और टू में मैं फादर हुआ मेरा बेटा पैदा हुआ टू में एंड सामा उस टाइम पे कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बने और कुछ चैलेंजेस लाइफ में ऐसे आए जब मुझे लगा कि कुछ तो कम है लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा मतलब बन नहीं पा रहे हैं। और सही में कहूं तो आइडेंटिटी का एक शॉर्टफॉल दिखा क्राइसिस दिखा मुझे लगा यहाँ बेंगलोर में तो सभी इंजीनियर हैं और सबको इतनी ही सैलरी मिल रही है मेरे बैकेंड पे जहाँ कानपुर से मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे मेरे को जानने वाला कोई नहीं है या मेरी कोई

ये चीज़ मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे क्यों नहीं करी या ग्रेजुएशन के बाद तुरंत क्यों नहीं करी क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था फिर जब शादी हो गई बच्चों के लाइफ फाइनेंशियली भी सेटल थी मैं बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा था जब मैंने लास्ट 2000 थाउजेंड पी सी ज्वाइन करने से पहले जब मैंने सैलरी जॉब अपनी छोड़ी तो मेरी सैलरी तेईस चौबीस लाख रुपए का पैकेज था एनुअल और मुझे करीबन डेढ़ से डेढ़ लाख से एक लाख सत्तर हज़ार के बीच में सैलरी मिलती थी तो ये वो वो फेज था लाइफ में सब कुछ सेटिस्फाइड था फैमिली बढ़िया चल रही थी कोई मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जिससे मुझे लगा कि कुछ तो आइडेंटिटी बनाई जाए उसके लिए आई एस बी सी दिमाग में आया उसी साल एक और टर्निंग पॉइंट हुआ कि मेरे दो क्लोज एक कॉलेज के क्लोज सीनियर जैसा कि मैंने बताया मेरे कॉलेज का बहुत अहम रोल है मेरी आज की जो भी सक्सेस या पर्सनैलिटी है उसमें तो और एक मेरे जूनियर था दो बैच में आई लखनऊ के ही हैं और एक सीनियर थे क्लोज वो बिहार में बी हुए दोनों लोगों ने ज्वाइन किया उनके मैं संपर्क में रहता था वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ सेगाम्पल मैं, तो मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ कि कई बार अगर आपके अंदर पॉजिटिविज्म है और आपके अंदर आलस नहीं है मेंटल और फिजिकल आलस नहीं है तो आप कहीं से भी बदल के अपनी लाइफ बना सकते हो मैं तीस साल का लगभग तीस साल का हो चुका था बेटा भी भाई पैदा हो चुका था फैमिली थी जॉब में कर ही रहा था फिर मेरे को लगा कि कोई वही बात है उनसे इन्फ्लुएंस हुआ और मैंने कहा आप कूद पड़ते तो जब मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया तो वही जो तो मिथ वाली बातें होती है एक मिथ यह आया कि भाई तीस साल में लॉजिक नहीं है शादी के बाद लॉजिक नहीं है और तुम्हें जब इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही तो क्या जरूरत है क्या जरूरत है कि तुम वापिस से तैयारी में जा रहे हो कौन संघर्ष करेगा भाई मैंने 2022 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि तब से नौकरी कर रहा था और आराम से बढ़िया सैलरी मिल रही थी कोई इग्नाइटिंग पॉइंट नहीं था मगर मेरे अंदर था दो, लोगों ने सराउंडिंग में मेरे दोस्तों ने या मेरी फैमिली वालों ने बोला ये आप क्या जरूरत है और तीस साल में कैसे करोगे तुम तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग करनी पड़ेगी इतना टाइम जॉब के साथ कैसे निकालोगे फैमिली कैसे देखोगे और नौकरी छोड़ के करोगे तो कमाई कहां से आएगी क्योंकि भाई फ्लैट एक शादीशुदा आदमी के कई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो जाते हैं मेरे पास फ्लैट की एम थी घर के खर्चे थे तो मैंने सोचा नौकरी तो छोड़ नहीं सकते तो यहाँ मैटर आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है सिचुएशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता सरकमस्टेंसेस का आपकी लाइफ में आप डिसीजन मेकर हो और अगर आपने ठान लिया कोई भी बंदा अगर वो ठान ले तो वही केवल उसकी जो इनर इंस्टिंक्ट होती है वही उसको आगे ले जाती है एंड सेम हैपेंड विद मी मैंने जब सोचा कि कई लोगों ने मुझे बोला आप मत करो यार क्या जरूरत क्या है और फिर तुम निकाली लोगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं और दो चार साल संघर्ष करके कोचिंग करने में दिल्ली जा नहीं सकता था क्योंकि नौकरी करनी थी तो फैमिली को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो भी मेरा अपना कमिटमेंट था तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते तो मैंने इंटरनेट का दौर शुरू शुरू हुआ था कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे पहले प्री नहीं निकला तो कई बार जो आप देखोगे कई बार सिविल सर्विस में जब आप एक एग्जाम में फेल हो जाता है दो हताशा आती है फिर लगता है सेल्फ डाउट होने लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा और मेरे तो सर कमिशन से थी मगर जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि मेरी बचपन से आदत थी मिथ को तोड़ने की मैं जब स्कूल में था सबसे शैतान था मगर तो टॉपर था क्योंकि तो शैतान बच्चे को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है है कि कि तो टॉप भी कर सकता है। सेम हालात मेरे कॉलेज में थे फिर मैंने सोचा नहीं छोड़ना तो नहीं है क्योंकि अगर ये छोड़ूंगा तो करूंगा क्या नौकरी तो जो मेरी चल रही है वो चली रही है मगर अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है फिर बात आती है पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये जो पांच साल थे स्पेशली पंद्रह से लेकर उन्नीस तक मैंने जम के पढ़ाई करी नौकरी भी करी

मैं फेलियर्स के पास नहीं जाता था मैं ये नहीं सोचता था क्योंकि जब भी आप किसी फेलियर बंदे से पूछोगे कि भाई एग्जाम कैसे पास करना है तो वो यही कहेगा दस साल लगेंगे क्योंकि उसको दस साल लग चुके हैं और दस साल उसको इसलिए लगे हैं क्योंकि उसकी एबिलिटी में फर्क एबिलिटी में कोई कमी नहीं है उसके अंदर मेंटल आलस है या डिविएशन है या वो कही कहीं ना कहीं फिजिकल आलस करता है जब आप या वो मोटिवेटेड नहीं है पैशनेट नहीं है इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से एक स्टूडेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है नहीं तो जो क्रैक कर रहे हैं वो भी कहीं मार्च से तो आए नहीं है वो भी हमारे बीच से ही है और कई सारे बिहार और यूपी के ऐसे बच्चे क्रैक करते हैं मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनके घर में जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं करी गांव में रह के पढ़ के और वो निकाल ले जाते केवल रेडियो सुन सुन के एग्जाम निकाला है लोगों ने तो वो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थे फिर बैक टू बैक ईश्वर की कृपा रही दो हजार पंद्रह सोलह मैंने यूपीएससी दिया ऑल यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाया मैंने कभी कोचिंग नहीं करी ऑप्शनल में थोड़े कम नंबर रह जाते थे मगर इसी दौरान मैं पीसीएस के सारे एग्जाम देता रह गया और मेरे को हर जगह सफलता मिली मैंने बैक टू बैक सात बार फ्लिम्स निकाला मेन्स निकाला और इंटरव्यू निकाला और फाइनली क्वालिफाई हुआ दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस तो मैं सारे स्टूडेंट से फिर से एक चीज यही कहना चाहूंगा दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत रखो मगर मेहनत से कतराओ मत फेलियर कहां पे होता है आप आपको मैं बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूं पहले तो सबसे पहले जाओ इस डिस्ट्रैक्शन के जमाने में जब इंफॉर्मेशन एज में आप जी रहे हो जहां पे चारों तरफ आपको इंटरनेट और इंफॉर्मेशन घूम रही है और डिविएट करने वाली इंफॉर्मेशन वहां पे कैसे कंट्रोल करना है सेल्फ रेगुलेशन मैं आपको बताऊं मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूं मैंने व्हाट्सएप शायद सेलेक्ट होने के बाद शुरू किया फेसबुक में बहुत ट्विटर uh, पे मेरा अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट नहीं आज भी जब मेरे पास टाइम है आज भी मेरे पास कोई इंस्टा हो और फेसबुक और ट्विटर फेसबुक पे अकाउंट है वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ 2012 से मेरे को याद नहीं 2012-13 से मैंने कोई फोटो अपलोड करी हो तो ये सिनारी तो ये जो सेक्रीफाइसेस है ये जो मोटिवेशन है ये जो पैशन है ये लाओगे सब कुछ बीट होगा ये केवल कहने की बात है कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता या तीस साल की एज में नहीं हो सकता मैंने पहला फॉर्म तीस साल में भरा था या शादी वाले नहीं कर सकते या नौकरी वाले नहीं कर सकते ये सारे मिथ ब्रेक करिए सब आम आदमी करता है बट कंटिन्यू रहिए और फाइट करने की स्पिरिट और जब आदमी लोग कटाक्ष करते हैं ना आपके ऊपर या ताने मारते हैं ना इज़ द टर्निंग पॉइंट वहीं पे आप हिट कर सकते हो क्योंकि उसके जैसे सचिन तेंदुलकर साहब आप देखते हो गए स्लेजिंग होती थी राइट ऑस्ट्रेलिया के बॉलर आएंगे मैग्रा आएंगे या कोई और बड़ा बॉलर आएगा वो लोग सचिन को टॉन्ट करते थे बैटिंग पिच के दौरान बट सचिन ने कभी भी उनको जवाब दिल पे लिया दिल पे ले तभी सेंचुरी पूरी करी और वहीं पे आंसर उन्होंने बैटिंग से दिया अपनी परफॉर्मेंस से दिया तो वही हमें करना है आपको समाज के रिश्तेदारों के मोहल्ले के तानों से मोटिवेशन मिलना चाहिए जिस दिन आपके अंदर ये हो जाएगा ना कि मोटिवेशन तानों से आने लगेगा मोटिवेशन कमेंट से निगेटिव कमेंट से आने लगेगा कि इसको आंसर उसको बहस करके आंसर नहीं देना है उसको आपको परफॉर्म करके सक्सेस पा के प्रूव करके आंसर देना है दैट इज द की स्प्रिट तो सारे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा एक मध्यम क्लास के लिए गरीब बच्चे के लिए या मिडिल क्लास के बच्चे के लिए फैमिली के लिए अगर आगे बढ़ने का जो तो सबसे आसान तरीका है ना वो एजुकेशन है एजुकेशन में मेहनत है शिक्षा के दौरान से आप आई भी बन सकते हो पीसीएस भी बन सकते हो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो आई में भी जा सकते हो आई में भी जा सकते हो आप कहीं भी जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो। लगता था शायद मैं आई बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा तबरेज आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट में मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया प्रजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीसी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आपको उसके बारे जानकारी आपको होता है बट क्या होता है कि लैंग्वेज का ना आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते इंग्लिश तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश डर लगेगा ये नेचुरल है मैंने जो उस स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया पहले तो थोड़ा तो 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 बेसिक पोर्शन ग्रामर को बताया जाता है उसके बाद वो कैप्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से टीन मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है मैं बोल सकता हूँ कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में सो डट वाई टू आई एम हियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टैक जोश स्किल Who really helped me a lot to improve my communication skills. Thank you, Josh. And finally, I would like to say education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.